शाम को 2:45 हुए हैं और यहाँ मैं 12:15 आया था। 3 घंटा मैंने यहाँ पे गुजारे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ वडोदरा के लिए। किला के बारे में बात करूँगा लेकिन यहाँ पे नहीं, इसी वीडियो में आगे चल के। मैं हूँ शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स और ये है सूरत। सूरत किला से निकल रहा हूँ इस वक्त। वैसे मुझे जाना तो है दाईं तरफ लेकिन भीड़ भाड़ से बचने के लिए और ट्रैफिक से बचने के लिए मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ गया हूँ, क्योंकि किला के पीछे नदी है और ये उस नदी का ब्रिज है। आगे जाकर फिर वापसी के लिए एक ब्रिज है, वो पकड़ लूँगा और वापस इस साइड आ जाऊँगा। ये रोड फास्ट है, इससे मैं अपने 30 मिनट बचा लूँगा। हाईवे 48 तक पहुँचने में अगर मैं सिटी के अंदर से जाता तो 1 घंटा लग जाता और अभी मैं 1/2 घंटे में सिटी क्रॉस कर लूँगा। इस फोटो में दाएं तरफ वाला जो ब्रिज नज़र आ रहा है उस ब्रिज से अभी निकला हूँ और लेफ़्ट साइड में जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो ब्रिज मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि दाएं तरफ एक और ब्रिज है वो पकड़कर मैं वापस जाऊँगा, तो इस तरह सिटी के ट्रैफिक से बच जाऊँगा। दूसरा वाला ब्रिज पकड़ने के लिए मुझे यहाँ से राइट टर्न मार के हल्का सा लेफ़्ट मारना पड़ेगा, तो यहीं से मुझे ब्रिज मिल जाएगा जो कि नदी से कनेक्ट होता है और ये तापी नदी है। तापी नदी बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है, ये आगे 48 हाईवे में भी मिलेगी। वेट और लाल दरवाज़ा सीधा है। तापी नदी के लिए ब्रिज यहीं से शुरू हो गया है और आगे तापी नदी में कनेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड से एक और ब्रिज चला आ रहा है, वो भी तापी नदी के ऊपर से निकलेगा। फिर एक और नदी पार कर गए, वही वाली नदी गए और वापस आ गए दूसरे ब्रिज से। सारा ट्रैफिक खत्म, ये तो अच्छी बात हुई। थोड़ा सा रनिंग बढ़ गई लेकिन 1 घंटा फास्ट निकल आए, कम से कम 1/2 घंटा। कि आगे जाना है कि रुकना है, गाड़ी इसका पहिया बाहर को निकला हुआ है नीचे से, ऑटो का टेढ़ा है। कितना फास्ट लाया हूँ हॉर्न बजा बजा के। लेफ्ट टर्न
ये सिटी बस वाली रोड है जहाँ पर मैं घुस गया हूँ गलती से। सूरत में ये एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली है कि यहाँ पे सिटी रोड सिटी बस के लिए एक अलग रोड दे दिया है। बस वाला घुसा था, मैं भी घुस जाता हूँ। बड़ी सिटी ये खत्म ही नहीं होती है। हाईवे के लिए सीधा जाना है, ये वही हाईवे है जिससे मैं मुंबई से आया हूँ और उसके बाद सूरत के लिए लेफ्ट टर्न मार के एक दूसरा हाईवे पकड़ा था जो कि 53 नाम से फेमस है, हाईवे नंबर 53। परेशान है, पहली रोड छोड़ नहीं सकता और परेशानी उठाता रहेगा ये, और तब के जो है ये गालियां लिपकने लगेगा। नीचे वाला रास्ता जो गूगल बार बार एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कुछ मिनट फास्ट है क्या? वो छोटा रास्ता है, लेकिन उसके बाद ये है कि हम लोग को पता ही नहीं हो कैसा रास्ता है। अब ये बड़ोड़ा वगैरह तो पूरा पता करके आए हैं तो मालूम है क्या? नहीं, किलोमीटर कम है उसका जो ये ले रहा है और घंटा ज्यादा है, लेकिन रोड की कंडीशन नहीं पता। बहुत खराब रोड है, गांव वाली रोड है, टोल एक भी नहीं है। अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि बीच वाली है या नीचे वाली, ये याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन
लेकिन इसके पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ। 8 घंटा ज्यादा लगता है तो पेट्रोल तो उतनी उससे ज्यादा जाने वाला है ना, टाइम के हिसाब से पेट्रोल खर्चा होता है। इस हाईवे पे 19 का एवरेज मिला अब तक है ना, अंदर दाखिल होने से पहले 19.5 का। गांव से तो 12 का मिला तो क्या फायदा हुआ। मैं आप लोगों को सूरत का किला दिखाना चाहता था, लेकिन किला के रूल और रेगुलेशन बड़े अजीब हैं। टिकट सस्ता है, पार्किंग फ्री है, 40 रुपये का एक टिकट मिला है, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर यूट्यूबर हो तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुसीबत फॉर्म भरना, उससे बड़ी मुसीबत कि फॉर्म भरने के बाद फिर उनको याद रखना और उसको फॉलो करना, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा इनकी टर्म कंडीशन थी। यानी अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो 5 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ हैं वो आपको दिखाना नहीं है वरना कार्रवाई हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे टर्म कंडीशन, मुझे कहाँ याद रहेगा, मैं इतना थोड़ी फॉलो कर पाऊँगा। मैंने मना ही कर दिया, मैं यूट्यूब के लिए या किसी भी सोशल साइट के लिए वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं खाली फ़ोटो खींचूँगा। तो बोले कि फ़ोटो के लिए 40 रुपये का टिकट है, वीडियो बनाने के लिए 100 रुपये का टिकट है, और उस पर भी कंडीशन है। अगर वीडियो बनाओगे तो 5 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए और किसी भी सोशल मीडिया पे दिखा नहीं सकते उसको। मैंने कहा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं अपना कैमरा गाड़ी में रखता हूँ, अब मैं खाली फ़ोटो खींचूँगा। बोले अपनी फ़ोटो नहीं खींच सकते, किले के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उनकी, उनके साथ अपनी फ़ोटो नहीं खींच सकते और किसी भी सोशल मीडिया पर उसको डाल नहीं सकते। हाँ, एक मोबाइल पर 40 रुपये लगेगा और उसी मोबाइल से तुमको फ़ोटो खींचना होगा। दूसरा मोबाइल अगर इस्तेमाल करना है तो अभी उसका टिकट ले लो 40 रुपये का। और हमने कहा नहीं, एक ही वीडियो हमने कहा एक ही मोबाइल यूज़ करूँगा और उसी से फ़ोटो खींचूँगा सिर्फ, बस, और अपनी नहीं खींचूँगा। सामने 48 का हाईवे नज़र आ रहा है, जल्दी मिल गया। अच्छा, इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि अपने साथ किसी चीज़ की फ़ोटो तो नहीं ले सकते, लेकिन सिंगल फ़ोटो किसी सामान के आप लोगे उसे भी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। बाकायदा पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह लिया था नाम के साथ में।
इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ कोई भी चीज़ यहाँ पे। लेकिन एक बात की तारीफ करूँगा कि किले की सर्विस बड़ी अच्छी थी, हर कोने पे आदमी मौजूद है और जैसे एंट्री करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है उधर आदमी भेज देगा, वहाँ पे फिल्म दिखाई दी जाएगी, दिखाई जाएगी, उसके बाद फिर वो बताएगा कि आप वहाँ जाओ, अगर दूसरी तरफ जाओगे तो रोक दिया जाएगा, नहीं पहले उधर जाओ। सिस्टमेटिक है पूरा और हर स्टेप पे आदमी मौजूद हैं। यह हाईवे पकड़ लिया हूँ और इस हाईवे पे वही नदी तापी नदी मिलेगी और तापी नदी का ब्रिज आगे है और ये वही तापी नदी है जिसके दो ब्रिज क्रॉस करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और जो किला के पीछे वाली नदी है ये वही नदी है। मुंबई के लिए दाएं मुड़ना था लेकिन मुझे मुंबई नहीं जाना है, मुझे वडोदरा जाना है, इसलिए मैं बाएं मुड़ के ये हाईवे पकड़ा हूँ 48। तो बड़े ख़राब रूल रेगुलेशन थे लेकिन सर्विस बड़ी ज़बरदस्त थी। टिकट के हिसाब से जो वो सर्विस दे रहे हैं वो तो समझ लो कि फ्री है। छोटा किला है लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको संवारा गया है और सर्विस के लिए लोग बहुत हैं वहाँ पे बताने के लिए और तुम पर नज़र रखने के लिए भी, और कैमरे की नज़र भी हर वक्त तुम पर रहेगी, तुम क्या कर रहे हो, किस चीज़ के फ़ोटो ले रहे हो, कहीं अपने साथ तो किसी चीज़ के फ़ोटो नहीं ले रहे हो, ले रहे हो तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ।